जय हिंद। आज अगला वीडियो आपका लेकर आया है, ठीक है। अगले वीडियो में टाइप नंबर 1 से चलेंगे, ठीक। देखिए आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल करा सके, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए से बढ़ा कर 70 रुपए कर दी जाए, यानी पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक, वृद्धि हो रही है, फिर कर आ रहा कर दी जाए, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। यानी कह रहा है दूध की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि वृद्धि होने के बावजूद भी खपत क्या है, समान रहे, बराबर रहे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग वृद्धि निकालेंगे, ठीक है। तो 60 से कितना हुआ है, 70 हुआ है, अंतर कितने का आएगा, 60 से 70 हुआ है तो अंतर कितने का आएगा, 10 का अंतर आएगा, 10 का अंतर आएगा, ठीक। और हमें निकालना किसको है, 60 का वृद्धि हुआ है, 60 पर वृद्धि हुआ है तो 60 का निकालना है, और गुणे क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो 2 से काटेंगे 6 को, 2 3 6, ठीक है, और 2 से 100 को काटेंगे तो अपना 50 आ जाएगा, ठीक। सिंपल सी बात है, आप सीधे काट लेंगे 0 0, और देखो होता है इसका मतलब सीधे अगर 10 60 में होता है तो समझ जाना, अगर मान लो 1/6 होता है ना, 1/6 प्रतिशत कहीं होता है, सीधे उसको हम क्या लिखते हैं, 50/3 लिखते हैं। इसको हम पढ़ाए थे सवाल में, जब सवाल सुन किए थे प्रतिशत वाला, तो उसमें हमने बताए थे कि अगर 1/6 लिखा हो तो इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं 50/3, क्या लिखते हैं, 50/3 लिखते हैं, ठीक है, सुन रहा है ना, बस यही समझना है कि इसको हम क्या लिख रहे हैं। तो अब कह रहा है कि हम क्या कर दें, ठीक, कि जो कितने की कमी कर रहे हैं, देखो एक वृद्धि था तो हम कमी करेंगे, कितने की कमी कर रहे हैं, ठीक, कि खर्च क्या है, समाज है, बस हो गया है, तो कमी करना है, हो गया है, तो कमी कमी करना है, और किसका करना है, तो 50/3 पे कर देना, 50/3, अब बोले किसका करना है, किसका करना है, ये वृद्धि हुआ है, 50/3 का क्या हुआ, वृद्धि, 50/3 का क्या हुआ है, वृद्धि। तो जब 100 में 50/3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 350, क्या हो जाएगा, 350/3, तो यही 350/3 यहाँ रखेंगे, 350/3, 3 से 3 काट लोगे, 0 0 कट जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, अगले यहाँ 100 होता ही होता है, आप लोग को हम बताए हैं कि 100/7 है, क्या है, 100/7 है, तो 7 तो अगर पारा पड़ जो 7 से करना है, 7 3 बचा 30 हुआ, 7 चुक गया 28, 10 2 बचेगा 20 हुआ, 7 2 14, ठीक है, 6 बचा 60 हुआ, ठीक, 7/56%, ठीक है। देखो बेटा इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सिंपल से सीधे लिखेंगे, अगर यहाँ 60 है और यहाँ 70 है, अंतर निकालोगे 10 10/60, ठीक है, और 10/60 का मतलब कि 1/6, और 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा, सीधे 50/3 हो जाएगा, ठीक है, 50/3 का अगर कमी निकालते हैं तो कमी निकालने का सीधे 50/3, और 100% वृद्धि हुआ था तो 350/3 करके 100 का गुणा कर देंगे, जो आएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब टाइप नंबर देखते हैं, टाइप नंबर दूसरा, टाइप नंबर क्या देखते हैं, दूसरा, चलिए टाइप नंबर आपका दूसरा देखते हैं। कह रहा है यदि दूध का मूल्य 20% बढ़ा दी जाए तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च क्या हो जाए, समान रहे। देखो उसमें क्या था, उसमें मूल्य दिया था, इसमें प्रतिशत दिया है, उसमें क्या था, मूल्य था, और इसमें क्या है, प्रतिशत है, ठीक है ना, इसमें क्या है, प्रतिशत है, बस सवाल आसान है, बोले हैं। देखो जब प्रतिशत दिया होता है तो दोनों का अंतर कर लेते हैं, यहाँ जो है 20% है,
वृद्धि हुआ है, तो कोई भी अपने आप में 100 होता है, 100 का 20%, तो 20 का वृद्धि हो गया, 20 का क्या हो गया वृद्धि, और जब वृद्धि हुआ तो टोटल कितना हो गया 120, अब गुणे क्या होता है 100 होता है, 0 से 0 कट जाएगा, तो एक अनंत 2 छक के बाहर है, देखा हम 2 छक के बाहर, देखो और हम आपसे बताए हैं कभी भी 1/6 और सब सीधा है, जब बिना कुछ किए ये 100 लिखो चाहे ना सीधा है तो हो जाएगा 16/2/3, क्योंकि लिखवाए हैं आप लोग पीछे के भी जस्ट तुरंत वाले सवाल में टाइप नंबर 1 में चर्चा की है, अगर 1/6 लिखा उसको आप लिख सकते हैं 50/3, उससे क्या लिख सकते हैं 50/3 लिख सकते हैं, 50/3 को हम क्या लिखते हैं 16/2/3, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है सवाल ना, चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और टाइप नंबर 3 देखते हैं। चलिए इसी पर एक सवाल हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे देते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, 20 की जगह कर देते हैं 45, 20 की जगह क्या कर देते हैं 45, नोट कर लीजिए, इसको आप लोगों को हल करना है, ठीक है, ओके। चलिए इस टाइप के सवाल को देखते हैं, टाइप नंबर 3, कह रहा है एक पंखे के मूल्य में 40% की कमी, कितने परसेंट की कमी 40% की कमी कर देने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 40/100, सॉरी 40% की क्या हो रही है कमी हो रही है, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक, और कह रहा है कि इसमें 50% बढ़ जाती है, तो जब 50% बढ़ जाएगी, ठीक, तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, बटा 100 कर देंगे, उसके बाद जो प्राप्त होगा 100 में से उसको घटा देंगे आ जाएगा एक ऊपर, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, इसमें 100 का पूरा कर देंगे हम, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कहीं यहाँ ये कहीं ये दोनों कट गए, बचा कितना 15 और 6 15 6 का 90, अब बोले हैं 15 6 का 90 हो गया, बोले हैं 100 में से 90 को घटा देंगे, तो 100 में से 90 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10% माइनस है, तो -10% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ये हो गया आपका आंसर, 10% की क्या हो जाएगी कमी होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक, चलिए चलिए टाइप नंबर 3 के बाद टाइप नंबर 4 आ गया, टाइप नंबर 4 इसी सवाल पे हम चेक कर लेते हैं, टाइप नंबर 4 को देखो क्या है, टाइप नंबर 4 में यहाँ पर यदि कितना परसेंट हो 10% है, पहले 10% की क्या हो रही हो, पहले 10% की क्या हो रही हो कमी हो रही हो, ठीक है, बाद में 10% की क्या हो रही हो वृद्धि हो रही हो, ठीक, तो ऐसे सवाल कैसे लगेंगे, सिंपल सी बात है, एक है एक 10 10 है ना, 10 10 है, बस कुछ नहीं लग गया सवाल, तीन सवाल है, इसको लगा लेंगे तो सभी सवाल लग जाएंगे, 100 तो अपने आप में होता ही होता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, उससे बेहतर है कि 100 न लिखिए, क्या फायदा 100 लिखने से, कोई फायदा है, सीधे आप 100 लिखिए, 100 लिखा गया, पहले में 10 की कमी हो रही है यानी 90, दूसरे में 10 की वृद्धि हो रही है 110, हो गया ना, 2 0 से 2 0 काट दो, 11 9 99, 11 9 99, 100 में से क्या कर दोगे, 100 में से 99 घटा दो, यानी 1% की क्या हो गई कमी हो गई, 1% की क्या हो गई कमी हो गई, ठीक है, ये हो गया टाइप नंबर 4, इसको आप लोग नोट कीजिए, समझा गया ना सवाल को, इसे आप नोट कीजिए, ठीक, अब क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, होमवर्क के लिए आप लोग वर्क कीजिएगा इसको, यहाँ पर हम 10 को हटा करके यहाँ पर हम आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कर दिया 50 की वृद्धि हो जा रही है और 50 की कमी हो जा रही है, ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए चलिए अगला टाइप आते हैं, कह रहा है एक पंखे के मूल्य
में 10% की कमी करने पर उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में 30% की वृद्धि होगी, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यक्ष का मान ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि 10 कम करेंगे तो हो जाएगा 90 गुणे गुणे, ठीक है, यक्ष प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो उसको लिखेंगे 100+ यक्ष, ठीक, बटे 100 लिख देंगे, बराबर कितने की हो रही है, उसके राजस्व में 30% की वृद्धि हो रही है, 30 का मतलब होता है 100 × 130, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और काटते हैं, कटेगा कुछ नहीं, कटेगा देख लेते हैं, देखो 9 × 9 = 9 × 9 = 9 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका होता है 13 × 100 = 1300 माइनस 9 × 100 = 900, ठीक, 9 का यहाँ बुरा है, यहाँ 9 का हम भाग कर देंगे, हिसाब किताब जल्दी हो जाएगा, 9 × 13 = 400/3 उसके बाद आप लोग हल कर लीजिएगा, जो आएगा हल हो जाएगा, काटना ही है, 9 × 36 = 9 × 36 बस, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आता है कह रहा है पंखे के मूल्य में, ठीक है, 10% की घोटाला हो रही है, क्या हो रही है, घोटाला, क्या हो रही है, घोटाला हो रही है, घोटाला करने पर उसके बिक्री में ठीक 10% की घोटाला, 10% की फिर घोटाला ठीक है की जाती है, 10 फिर घोटाला की जाती है, घोटाला की जाती है, उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि या हानि होगी, उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि या हानि होगी, होगी बस, हो गया, हो गया, इसको कुछ नहीं करना, ये बताओ हो गया है तुरंत, ये बताओ घोटाला होता है तो अगला हमसे लाभ कमाता है कि हानि, क्या कमाता है, लाभ या हानि, लाभ कमाता है ना, तो जब लाभ कमाता है तो सीधा ही हम आपको बताए हैं 10% का पहले ही लाभ हो रहा है 110 हो जाएगा, 10% का बाद में लाभ हो रहा है 110 हो जाएगा, बटा 100 लिख देंगे, बराबर 2 0 से 2 0 काट देंगे, कितना जाएगा 121, और 121 में से 100 घटाएंगे तो प्लस 21 बचेगा, यानी 21% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना, चलिए ठीक, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक, ये आपका था एलएसी लेक्चर नंबर 5 का, ये आपका था एलएसी लेक्चर नंबर 5, मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में अगले वीडियो में, ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।